जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीके साधना चैनल में। आज हम आप लोग के लिए कैसी शक्ति की साधना लेकर आए हैं, जो कि छठ पूजा में सिर्फ आपको 30 बार इस मंत्र को बोलना होगा और आपके सामने एक परी की हाजिरी होगी। सबसे पहले एक चीज में बात बता दूं कि ये परी क्या क्या करती है। तो ये परी हर एक काम करती है, ज्यादातर ये पैसा देती है या सोना देती है या चांदी देती है, ठीक है ना। अगर इसे दूसरा काम कराएंगे तो वो भी कर देती है, लेकिन ज्यादातर इस परी को पैसा मंगवाने में ही काम कराएं तो और अच्छा होगा। अगर दूसरा किसी को अगर कोई काम है तो इस अमल को ना करें। जिसको भी अगर पैसा लेना हो तभी इस अमल को करें, अन्यथा ना करें, ठीक है ना। तो इस अमल में अगर आपको इजाज़त चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, तभी आपको हमारी ओर से इजाज़त मिल जाएगी। तो इस अमल को कैसे करना है, तो इस अमल को जिस दिन छठ है, यानी कि छठ तो दो दिन होता है, या एक शाम को होता है और सुबह होता है, ठीक है ना। तो ये दो दिन में आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है ना। विधि एक ही होगा, या तो आप सुबह कर लें या तो शाम को कर लें, ठीक है ना। तो जो भी आदमी अगर शाम को इस साधना को करेगा तो 4 बजे के बाद और रात के 9 बजे के पहले इस साधना को कर लेना है, ठीक है ना। और जो आदमी सुबह करना चाहे तो सुबह 4 बजे के बाद और आपको सुबह के 8 बजे के पहले इस साधना को कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका विधि विधान कुछ यूँ है कि एक ऐसी नदी के किनारे चले जाए जहाँ पे आपको कोई ना देखे। वहाँ पे जाके आप पहले से ही साफ सुथरा कर दे दिन में, और आप जाके 1 घंटा पहले साफ सुथरा करके एकदम से उसको एकदम से मतलब कि झाड़ उड़ जितना हो उसे साफ कर दें। उस नदी के किनारे आपको एक बोतल वो नदी का पानी सामने रखना है, और 2 बूंदी की मिठाई रखना है, 2 अगरबत्ती जला लेना है, ठीक है ना, थोड़ी से सिंदूर रख लेना है, और 1 दिया जला लेना है सरसों का, ठीक है ना। और वहाँ पर इस दिए को जलाने के बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको पहले तो आपको जिस दिन छठ है, मैं आपको टाइम भी बता दिया हूँ, अगर इस टाइम का हल्का सा भी इधर उधर इस साधना को करेंगे तो मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना काम करने के बाद जब सामान सामने रख लेंगे तो आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको 3 बार पहले तो आपको अपना नाम बोलना है, 3 बार, फिर 3 बार अपनी माँ का नाम बोलना है, ठीक है ना। तो जैसे ही 3 बार आप बोल दिए और 3 बार आपके माँ का नाम बोल दिए और 3 बार जो भी आपके पापा जी का नाम है या आपके पिताजी का नाम है वो बोल दे, ठीक है ना। ये बोलना लाजिम है। 3-3 बार बोलने के बाद आपको फिर 3 बार कहना है, ऐ परी हाजिर हो, ऐ परी हाजिर हो, ऐ परी हाजिर हो, ठीक है ना। फिर इस तरह 3 बार बोलने के बाद फिर जो आपको स्क्रीन पर ये जो अजमीत दिख रहा है इससे आपको 30 मरतबा आपको इस मंत्र को बोलना है। जैसे ही आप 10 बार ही बोलेंगे तभी आपके सामने एक ऐसी बड़ी, जो कि सबसे बड़ी एक परी आपको नजर आएगी, जो कि आपको लगेगा कि इससे बड़ी और कुछ नहीं है, आपको डरना नहीं है। और वो परी इतनी बड़ी होगी जो कि आपको देख के डरा भी सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। फिर जैसे ही आप 30 बार का इस मंत्र का मुकम्मल करेंगे तो वो परी आपके सामने आएगी और आपसे पूछेगी, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो आप उससे बोले कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आदि दूसरी भी चीज़ का जरूरत होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये परी पैसा का काम करती है, ठीक है ना। इसलिए मैं इस साधना को लेकर आया हूँ कि क्योंकि कितने आदमी कर्ज में डूब गए हैं इसीलिए। तो आप इससे पैसे के बारे में अहद पैमान ले ले और बुलाने का तरीका पूछ ले। और जो व्यक्ति सुबह साधना करना चाहे तो वो सुबह भी कर सकता है, लेकिन नदी के किनारे ही जाना होगा, ठीक है ना। और जब भी ये साधना को करे तो नहाना होगा, चाहे शाम को करे चाहे सुबह में करे, तो आपको नहाना लाजिम है। या तो इस परी का ट्रांसफ़र चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 12 बजे के पहले, क्योंकि आज छठ है तो छठ के आज 12 बजे के पहले जो भी आदमी मेरे पास 800 रुपये डलवाएगा, 800, तो उसे मैं परी दे दूंगा, ठीक है ना। एक आदमी का 800 रुपया लगेगा, ये बच्चा का भी शुल्क है, कोई भी दे देगा इस शुल्क को 800 रुपया। देखिए जितना आदमी चाहे उतना आदमी मुझसे परी इसको ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्योंकि आज ही के दिन और 12 बजे के पहले मुझसे मुलाकात कर लेना है, कॉल करके जुड़ लेना है। तो बाकी तो हमने पूरी विस्तार रूप से बता दी है, या तो अगर चीज़ कुछ भी समझ में ना आया हो इस वीडियो में तो हमसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त अब हम चलते हैं। जी नमस्कार, जय माता दी।